हेलो, धन्यवाद देना चाहूँगा वालसर फाउंडेशन का। बड़े दिन बाद आज इन्होंने ग्रुप इवेंट करने का मौका दिया है। इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। तो एक लाइन वायरल हुई थी, उस लाइन से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे महबूब ने भी कैसी मोहब्बत निभाई है, मेरे महबूब ने भी कैसी मोहब्बत निभाई है, ये दिल भूल ना पाए ऐसी हरकत दिखाई है। मेरे महबूब ने भी कैसी मोहब्बत निभाई है, ये दिल भूल ना पाए ऐसी हरकत दिखाई है। और बातें जिनसे हर एक होती थी मेरे दिल की, आज उसने बात ना करने की कसम खाई है। अभी भाई साहब ने बोला था हमारे यहाँ जो रेप हो रहे हैं बहन बेटियों के, उस पर एक लाइन लिखने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूँगा, प्रस्तुत करता हूँ कि इंसाफ की गुहार लगाने से इंसाफ नहीं मिलता, साहब बगावत की ज़रूरत है। इंसाफ की गुहार लगाने से इंसाफ नहीं मिलता, बगावत की ज़रूरत है। और कब तक लुटती रहेगी बहन बेटियों की इज्जत साहब, अब हाथों में मोमबत्ती की नहीं शायद तलवार की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कि आया हूँ लखनऊ में, रह रहा हूँ 4-5 दिन से। तो लिखी है एक लाइन की, लखनऊ की गलियों में बिकने वाला अखबार हो गया हूँ, लखनऊ की गलियों में बिकने वाला अखबार हो गया हूँ, अपने गांव का जमींदार था मैं, तेरे शहर का किराएदार हो गया। बहुत शुक्रिया कि अब शुरू करता हूँ। प्रियांशु जी ने कहा मॉडल पोइट्री, तो मॉडल पोइट्री है। तो शुरू करता हूँ कि लिखने बैठता हूँ तो आंसुओं से कागज़ गीले हो जाते हैं, लिखने बैठता हूँ तो आंसुओं से कागज़ गीले हो जाते हैं, लिखा कुछ भी नहीं जाता। लिखने बैठता हूँ तो आंसुओं से कागज़ गीले हो जाते हैं, लिखा कुछ भी नहीं जाता। यूँ तो मैं फिल्मों में सुना देता हूँ मैं दास्तां अपनी, जब से वो शख्स पराया हो गया कहा कुछ भी नहीं जाता। बहुत शुक्रिया प्रियांशु भाई। कुछ दिनों में अभी एक वाक्या हुआ, मोहब्बत को मेरी जिस्मानी बताकर वो रास्ता बदल गई। सीरियस वनेला पोइट्री है, लिखा है कि मोहब्बत को मेरी जिस्मानी बताकर रकीब को तूने अपना महबूब बता दिया। रकीब जानते हैं सब लोग, रकीब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को रकीब कहते हैं। कि मोहब्बत को मेरी जिस्मानी बताकर तूने रकीब को अपना महबूब बता दिया, फूल लगने ही वाले थे मेरे प्यार के पौधे में, तूने उसे जड़ से उखाड़ दिया। और तारीफ किसकी किसकी करो इस महफिल में यारों, तारीफ किसकी किसकी करो इस महफिल में यारों, जितने मेरे अपने थे सबने असली चेहरा दिखा दिया। शुक्रिया शुक्रिया। तो जैसा कि बताया कि मोहब्बत को मेरी जिस्मानी बता दी गई, तो आगे भी दो लाइनें लिखने की कोशिश की हैं कि रकीब ने जुल्फे तक नहीं संवारी, रकीब ने जुल्फे तक नहीं संवारी, दावा करती है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। रकीब ने जुल्फे तक नहीं संवारी, दावा करती है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। और हर सुबह तुम सलवटे ठीक करती हो बिस्तर की, हर सुबह तुम सलवटे ठीक करती हो बिस्तर की, झूठ है ये कि रकीब तेरे साथ गुनाह नहीं करता है। 4-5 लाइनें और हैं आपके सम्मुख लग के मैं अपना स्थान लूंगा। कि ऐसे ही जा रहा था, उसके गली से गुजर रहा था तो मिल गई रास्ते में एक लाइन लिखा कि मिली गली में न तो नजरें फेर ली मैंने, मिल गई गली में तो नजरें फेर ली मैंने, डर था नजर मिली तो फिर बदनाम हो जाऊंगा। मिली गली में तो नजरें फेर ली मैंने, डर था कि नजरें मिली फिर बदनाम हो जाऊंगा। और उसकी हैसियत से ज्यादा कीमत है मेरी, उसकी हैसियत से ज्यादा कीमत है मेरी, अब यकीन ये भी था कि नीलाम हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कि उस हालात में दुआ क्या है दवा क्या है, उस हालात में दुआ क्या है दवा क्या है, जहां कातिल खुद पूछे यार हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट लाइन है कि तेरे शहर में इतना वक्त बिताया है, तेरे शहर में इतना वक्त बिताया है, गैर अपने हो गए तू आज भी पराया है। वाँ, 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 वाँ,